हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहाय है। सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आज वीडियो में देखने वाले हैं कि भाई अफगान क्रिकेट राशिद खान का इंटरव्यू हम देखेंगे कि वो इंडियन कल्चर और विराट और धोनी जो है उनके बारे में उनकी क्या राय है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा प्यार है इन दोनों टीमों में दिखता है। राशिद खान का इंटरव्यू है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। क्रिकेट में क्रिकेट के इस खिलाड़ी का किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप रिपोर्ट कार्ड मांगने जाएंगे ना तो रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। फिर चाहे वो आईसीसी के T20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर एक पायदान पर पहुंचने वाले सबसे युवा खिलाड़ी का रिकॉर्ड हो या फिर 44 ओडीआई में 100 विकेटें चटकने वाले खिलाड़ी हों। और रिकॉर्ड्स की कमी नहीं है, शो खत्म हो जाएगा इससे पहले आप मिल लीजिए राशिद खान से, आप मिलिए। लेकिन ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो रिकॉर्ड का जो जखीरा है इतना बड़ा, ये बिना किसी मुकम्मल तैयारी के तो मुमकिन हो ही नहीं सकता, तो फिर कैसे तैयारी करते हैं आप? मतलब सुबह ही उठते ही गूगली पर काम करने लगते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं करता कि मतलब सुबह ही उठ के मतलब उस पर कोई रिकॉर्ड बनाना या कोई रिकॉर्ड तोड़ना माइंड में नहीं था। बस सिर्फ क्रिकेट ही माइंड में था कि अच्छा खेलूँ अपने टीम के लिए और जो मेरा एबिलिटी है, जो मेरा स्किल्स है उस पर काम करूँ, उसको इम्प्रूव करूँ, यही करने का मतलब हमेशा ट्राई की है और कोशिश की है। भारतीयों के दिलों में ना आपने एक ऐसी जगह बनाई है जिसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। ऐसी कोई आदत भारतीयों की जो आपने अडॉप्ट की हो, आपको लगता है कि हाँ ये आदत भारतीयों की बहुत अच्छी है, मुझे अपने अंदर लेकर आनी चाहिए, कोई ऐसी हैबिट? इंडिया में आके दिल जीतना और फिर उनके दिल में खुद के लिए ऐसी जगह बनाना कि वो आपसे प्यार करें, तो टफ होता है क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स के लिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, हमारे दूसरा ही घर है और यहाँ पे खेलने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ से लोगों से जो प्यार मिल रहा है लोगों से, मेरे ख्याल में वो जो वो समथिंग है कि मैंने काफ़ी सीख लिया कि मतलब किस तरह लोगों से मतलब उनकी हॉस्पिटलिटी की जाती है और मेहमानों से प्यार किया जाता है। तो आई थिंक आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो सरहद जो है धुंधली हो जाती है जब आपका जिक्र होता है, फिर चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत हो, लेकिन कोई ऐसा फैन आपका मिला अभी तक जिसने मतलब आपको चौंका दिया हो? फैंस तो काफ़ी सारे मिले हैं, ऐसे मिले कि बिल्कुल मतलब सरप्राइज़ किया है कि मतलब यहाँ भी मेरा ऐसा फ़ैन होगा कि जो मुझसे इतना प्यार करता होगा। इवन जब हम देहरादून में सीरीज़ जीत गए तो दूसरे दिन हम पिकनिक के लिए सारे जा रहे थे बाहर, तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया, बहुत थक गए क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स में वॉक कर रहे थे, तो मैं उधर बैठ गया। एक छोटा सा बच्चा आया, बहुत भाग भाग के आया, बहुत थका हुआ था और डायरेक्ट मुझे गला लगाया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मैं आपका बहुत मैं हंसने आ रहा था। मैंने छोटे बच्चे को वो आके मुझे देख रहे मुझे इस तरह किया उसने, बहुत ज़ोर से एक बार किया इस तरह, हाथ पीछे किया, फिर किया। मैंने कहा क्या करोगे, चेक कर रहा हूँ कि आप असली हो। मैं हंसने लगा। तो मतलब वो जब देखे कि छोटा बच्चा देहरादून में एक पहाड़ों में आता है और आपसे इतना प्यार करता है कि मतलब आपको सरप्राइज, यहाँ पे भी इतने ऐसे, इवन मैं सोच रहा था कि मतलब यहाँ पे भी लोगों के दिलों में आपने जगह बना ली है जो आपसे प्यार करते हैं। और एक जो फैंस था वो मुझे कह रहा था कि आप यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़े हो जाओ तो आप जीतोगे, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा अभी तक मैंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है इतना बड़ा कि या अच्छी इतनी बड़ी से वो की है कि मतलब अच्छा सीज़न चला, मतलब जिस इसके बाद जो प्यार मिला लोगों से, जो मतलब रिस्पॉन्स मिला, तो मतलब काफ़ी खुशी हुई। और यहाँ पे सबके फैंस के साथ मिलकर खुशी होती है, सबके साथ दिल चाहता है कि हर किसी के साथ मिलूँ और हर किसी के साथ उनको खुश करूँ। तो फैंस बहुत सारे मेरे हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैंस मिले। शाहिद अफरीदी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, तो जब शारजाह में जब आप खेलते थे या ट्रेनिंग लेते थे, कभी शाहिद अफरीदी से कोई मुलाकात हुई, किसी तरह की बात हुई? नहीं, मैं मुलाकात तो नहीं हुई थी। और मैं शाहिद अफरीदी को और अनिल कुंबले को काफ़ी मतलब देख रहा था उनकी वीडियोज़, काफ़ी वो उनको फॉलो करता था। जब मैं वर्ल्ड 11 के लिए गया था तो हमारा कैप्टन था, तो पहली जब बार मिल गए तो उसने सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी थी, सारा जो सक्सेस हुआ है और IPL में जो अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उसकी मुबारकबाद दी थी। और मतलब विश किया कि यार हमेशा इस तरह करते रहो, हमारी दुआ आपके साथ है। एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और MS धोनी,
मतलब ये सब इतने बड़े सूरमा बल्लेबाज माने जाते हैं और आपने उनको भी आप मात दे देते हैं और उनसे सब आपसे अच्छा जी। लेकिन आउट करने में मजा, सबसे ज्यादा मजा किसको आउट करने में होता है? मेरे ख्याल में जो तीन नाम लिए तीनों को आउट करने में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि उनकी विकेट लेना स्पिनर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो तीनों एक ऐसे प्लेयर है कि इस फॉर्मेट में खासकर स्पिनर को बहुत बहुत ही मुश्किल से विकेट देते हैं और जो स्पिनर के अगेंस्ट बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी विकेट लेना और फिर उनको बोल्ड करना मेरे ख्याल में एक स्पिनर के लिए एक बहुत अच्छी और मतलब बड़ी अचीवमेंट है। माइंड में यही था कि मतलब उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कराओ, आउट करना ना आउट करना ये अलग बात है, लेकिन मैंने ऐसी बॉलिंग करनी है कि उनको मतलब ट्रबल में डालूँ। और लेकिन तीनों से सबसे फेवरेट शिकार कौन है? मेरे ख्याल में विराट कोहली की विकेट फेवरेट थी और एम एस धोनी की भी। तो तीनों एक ऐसे सुपर स्टार है कि उनकी विकेट लेना आप किसी भी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करते हो, खुशी होती है। तो काफ़ी इन्जॉय किया तीनों की विकेट लेना, उनको बोल्ड करना, क्योंकि ऐसी जगह पे विकेट आई कि जहाँ टीम को रिक्वायरमेंट थी और फिर उसी से टीम जीत भी गई। तो मेरे ख्याल में तीनों को आउट करने में बहुत मज़ा आया। उनके अलावा और कोई नाम आपको ध्यान में नहीं आ रहा? ऐसे तो सारे प्लेयर्स को मतलब आउट किया है, काफ़ी प्लेयर्स हैं। के एल राहुल जो ये क्लासिकल बैट्समैन है, उनको दो बार आउट किया, तो वो उनको आउट किया तो वो भी मतलब एक अच्छी विकेट जैसा वो खेल रहा था इस आईपीएल में, एक जिस तरह इनिंग्स उसने खेली हर मैच में, मेरे ख्याल में आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ही इज इन। अच्छा राशिद खान, आपका एक बहुत ही फेवरेट सेलिब्रेशन का वो है तरीका है, ऐसे करके एयरप्लेन बन जाते हैं, तो उसकी शुरुआत आपने कैसे की, मतलब वो एक सेलिब्रेशन का यूनिक ही तरीका? जी एग्जैक्टली, वो मैं एक बार हमारा आयरलैंड के साथ मैच था ग्रेटर नोएडा में, तो मैंने विकेट ले ली, पता नहीं क्यों मैं उससे वैसा भाग गया और वैसा सेलिब्रेट किया, क्योंकि वो मेरी चौथी विकेट थी, क्योंकि मैं T20 में मुसलसल लिया, मैंने उस दिन 5 आउट किए थे, तो जब चौथी लिए तो मतलब वो विकेट, मतलब वो फील ऐसा हो रहा था कि बहुत स्पेशल था, तो ये सेलिब्रेशन हो गई। जब मैं रात को आया तो मेरा नेफ्यू है छोटा, इरफान नाम है उसका, तो मुझे बोल रहा था कि ये सेलिब्रेशन आपको बहुत सूट करता है, इसको बस कंटिन्यू रखो। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने ख़ुद भी देख लिया, थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखा, फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अभी इसी को मैं फॉलो करूँगा, यही करूँगा। बच्चों की बात आप बहुत मानते हैं, इंस्टाग्राम पर एक बच्ची की तस्वीर आप सबसे ज़्यादा शेयर करते हैं, वीडियो भी, वफ़ा नाम है उसका, दुनिया जानना चाहती है वफ़ा है कौन? वो मेरी भाई की बेटी है, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब वो हर डेली में उसको 2-3 बार कॉल ना करो तो फिर मेरा दिन ही कुछ ऐसा होता है, तो वो मुझे बहुत प्यारी है और काफ़ी मिस कर रही है, कह रही है कि कब आ रही हो, मैं जब कहता हूँ कि कल आ रहा हूँ ना, तो वो समझती नहीं है कि कल कब आएगा, तो वो मुझे कभी कभी कहती है कि आप नहीं आ रहे हो, वैसे हमें मजाक कर रहे हो, तो फिर मैं उसके लिए, उसको चॉकलेट्स बहुत पसंद है और ये चीज़ें, तो हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे चॉकलेट्स भेज दिया करो, मैं जब भी कोई यहाँ से जाता है टीम मेट, तो मैं उसको वो करता हूँ कि मतलब इसके लिए वो चॉकलेट वगैरह इस चीज़ें, तो वो मेरी भाई की बेटी है और बहुत एक 10 साल का राशिद खान था रेफ्यूजी कैंप में पहुँचा और फिर वहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ, कितना मुश्किल था ये सफ़र? शुरू में बहुत मुश्किल थी, जब हम रिफ्यूजीज़ में भी थे तो वहाँ पे मतलब खेल रहे थे, तो बाहर मैंने इतना नहीं खेल रहा है घर से बाहर, क्योंकि नहीं छोड़ते थे, माहौल ही कुछ इस तरह था वहाँ पे कि घर से बिल्कुल इजाज़त नहीं थी बाहर जाने का, और फैमिली ज़्यादा मुझे कह रहे थे कि आप स्टडी को ज़्यादा ध्यान दे दें, स्टडी कर लो, और मेरा ख़ुद भी शौक स्टडी के साथ, मैं स्टडी बहुत दिल से करता था, लेकिन जब स्कूल से आते थे तो घर में भाइयों के साथ बहुत खेलते थे, इवन 3 घंटे 4 घंटे मतलब पता भी नहीं चलता था, टेप बॉल के साथ खेलते थे, तो उसी के साथ शौक बढ़ती थी। तो जब मैं पहली बार डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी, फिर अंडर 19 में आ गया, जो हमारा कोच दौलत अहमद से जिन्होंने मुझे सेलेक्ट किया अंडर 19 में, देख लिया उसी ने मुझे उस टाइम एक बात बोली थी कि अगर आप खुद के साथ
सिर्फ 3 महीना मेहनत करो ना तो आप बहुत बड़े क्रिकेटर बनोगे। वो ये बात अभी भी याद है, उसने मुझे बोली थी। 7 भाई और 4 बहनें। हाँ, 4 बहनें। 4 बहनें हैं, 7 भाई मेरे ख्याल से गेंदबाज हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। और उनमें से सिर्फ आप निकल पाए। हाँ हाँ, कितना मुश्किल है क्रिकेट। मुश्किल है वो, मतलब उस टाइम उनको उनका सपोर्ट नहीं था ना, कोई था ना कि उसको उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो अपना बिजनेस भी कर रहे थे और फैमिली भी बड़ी थी, उनको भी संभालना होता था, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ और ये जो फ्यूचर प्लान होते ये नहीं थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने इतना नहीं किया। 19 साल की उम्र में जब आप आसमान छूने की सिर्फ सोचते हैं, 19 साल की उम्र में राशिद खान ने आसमान को नाप लिया है, तो इस बातचीत का सिर्फ यहीं तक था सफ़र। थैंक यू सो मच जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, भाई बहुत अच्छा लगा इनका इंटरव्यू सुनकर। इंडियन कल्चर के बारे में उनकी बहुत ही अच्छी राय थी, उन्होंने बोला कि भाई इंडियन कल्चर उनको बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने यहाँ पे आके मेहमान नवाजी करना सीखी है कि मेहमान नवाज किसको बोला जाता है, कि जिस तरह से इंडियंस आपके साथ बिहेव करते हैं ना, आज मेरी अम्मी के बाल नहीं मई, मतलब आप बोले कि पहले शहर के बाल नहीं खड़े होते थे, आज अम्मी अपने बुजुर्ग हैं बार बार कभी इस वजह से अम्मी अपने बाल झुक रहे हैं, सुखाने की कोशिश कर रही है, तो वो आपको पता आजकल इतनी ज्यादा गर्मी है कि बाल जो है ना वो सूखते ही नहीं है। तो भाई बात हो रही थी यहाँ पे राशिद खान की, राशिद खान वाकई में बहुत ही अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा बॉलर है, और उन्होंने भाई विराट कोहली जैसे इतने बड़े प्लेयर MS धोनी उनको भी आउट किया हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सच में अफगानी जो है ना बहुत अच्छी टीम है, आपको पता है कि भाई वो तो सेमीफाइनल तक इस बार पहुंच चुकी थी, और इसके अलावा उनको इंडिया का कल्चर, और वो बोल रहे हैं कि इंडिया हमारा जो है ना वो दूसरा घर है, हमें पहला घर हमारा अफगानिस्तान और दूसरा घर जो है वो कितने बात है। हाँ वही ना, क्योंकि उनको वो बहुत ज्यादा साथ उनका देते हैं, जब कोई साथ दे इतना प्यार दे तो फिर उसके एहसान को याद रखना चाहिए। जब वही ना, एहसान फरामोश नहीं वो के एहसान लेके तो बोल रहे हैं, वो इस चीज को याद रखते हैं। इसी तरह जब कोई इंडियन अफगानिस्तान में जाता है ना तो बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो उनको पता है कि भाई हमारे अफगानियों को इंडिया ने कितना ज्यादा सपोर्ट किया, हर चीज में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पे सड़कें बनाई और भी कितना कुछ, वहाँ पे डैम बनाया, हॉस्पिटल बनाया इंडिया वालों ने अफगानिस्तान में। तो ये जब चीजें कोई करता है आपके कंट्री में तो फिर आपको भी तो कितनी खुशी होती है, और फिर आपके लोगों को यहाँ भी दिल हो इतने ज्यादा, एक पूरा का पूरा एरिया ही जो है वो मतलब अफगानियों के नाम ही एक समल हिसाब से किया हुआ है, तो ये चीज वो याद रखते हैं, और बहुत ज्यादा उनको इंडिया से प्यार मिलता है, वहाँ के लोग जो है वो बहुत बड़े फैन है भाई राशिद खान के, मुझे तो खुद ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छे प्लेयर ये अम्मी बॉलर है, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छा इंटरव्यू था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और किस किस को राशिद खान पसंद है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर कीजिएगा, फिर मिलते हैं।